खबर रीवा से है, जहां यात्रियों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए प्रशासन के द्वारा सूत्र बस सेवा की शुरुआत जिले में की गई थी। इसकी अच्छी सेवा को देखते हुए रीवा जिले में अन्य जिलों को जोड़ते हुए भी बसों का संचालन किया गया, जिसके लिए विगत दिनों प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया था। विडंबना ये है कि शुरू से ही सूत्र बस सेवा का निजी बस संचालकों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। शायद ही कोई ऐसा महीना रहा होगा जब सूत्र सेवा बस में तोड़फोड़ या मारपीट ना की गई हो और मामला पुलिस तक ना पहुंचा हो। ऐसी घटना एक बार फिर से घटी है। गनीमत यह रही कि बस में यात्री सवार नहीं थे, अन्यथा बड़ी दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। बताया जा रहा है कि रीवा से जबलपुर जाने वाली सूत्र सेवा बस पुराने बस स्टैंड में यात्रियों को उतारने के बाद ट्रांसपोर्ट नगर निर्धारित बस अड्डे में जा रही थी और तभी पड़रा में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बस के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर दी गई, जिससे बस के कई शीशे चकनाचूर हो गए। इस घटना की जानकारी संचालक को दी गई, जिसके बाद सिविल लाइन थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि सूत्र सेवा की सुविधा बताकर प्रशासन एक विकास की कड़ी जोड़ता है, लेकिन उक्त बसों को सुरक्षा ही नहीं दे पा रहा है, जिसके चलते जहां यात्रियों की कई बार जान जोखिम में फंस चुकी है, तो वहीं संचालकों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, झूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।